हेलो गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल। आज अपन देखेंगे एस सी वर्मा का चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, चैप्टर 3 का काइनामेटिक्स। ओके, तो ये सेटअप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये सेटअप है अपना। क्वेश्चन में क्या पूछा है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में क्रिकेट स्टेडियम दे रखा है, क्रिकेट स्टेडियम है, और ये जो है अपनी ये जो है अपना बैट्समैन है, ये बॉल को कुछ इस तरीके से हिट किया। इनिशियल स्पीड बॉल की दे रखी है 35 मीटर पर सेकेंड, अच्छी बात है। और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल है, वो दे रखा है 53 डिग्री, 53 डिग्री। और दूर जो है यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर ऑडियंस बैठी होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो बोला है कि जो पहली बेंच है वो क्रिकेटर से यानी कि इस बैट्समैन से 110 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और जो बेंच की जो हाइट है वो कितनी है, 1 मीटर, और जो उसकी सीट की चौड़ाई है वो है 1 मीटर। ठीक है, तो ये सारी की सारी लाइन आप लोग को जो दिख रही है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये सारी की सारी 1 बाय 1 है। ठीक है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, ये सवाल गिवन है। और साथ ही साथ ये दे रखा है कि जब बैट्समैन बॉल को हिट किया तब बॉल की जो हाइट है वो कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, यानी कि इस समय बॉल ग्राउंड पिच से प्रोजेक्ट नहीं गई, ग्राउंड से प्रोजेक्ट नहीं की गई है, बल्कि 1 मीटर की हाइट से प्रोजेक्ट की गई है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर दी है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस पॉइंट को मैं 0.0 मान लेता हूँ। ठीक है, उसका बेनिफिट आप लोगों को समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद। अब सवाल में ये पूछा है कि ये जो बॉल है वो कहाँ इस तरीके से जाएगी और कौन सी बेंच पे हिट करेगी। दिस इज़ द क्वेश्चन, ये बॉल जाके कौन सी बेंच पे हिट करने वाली है, ये जो है सवाल में पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमें कोई जानकारी नहीं है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, कहीं पर भी हिट कर सकती है। तो मैं रैंडमली ऐसे यहाँ 3 ठो बना दिया हूँ ऐसी कि कुछ भी बात हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो भाई देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही, मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत ही मेहनत वाला तरीका है, और एक ही तरीका है सिर्फ, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से सॉल्व कर सकते हैं इसको अपन। ठीक है, तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ सवाल को। सबसे पहले अपन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस xy r। ये मैं बोल दिया हूँ तो मान मत लेना कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से ही सॉल्व कर सकते हैं, एक बार खुद से सोच लेना। और आई होप जब आप लोग सोच के नहीं बना होगा आप लोगों से, तभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो अच्छी बात है। तो मैं बता रहा हूँ, मान लो कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से ही सॉल्व होगी। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस बॉल को ट्रेस करना है धीरे धीरे कि वो कहाँ पर जाके स्ट्राइक करने वाली है, अच्छी बात है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का यूज़ करके मैं क्या करूँगा, मैं देखने का, मैं ट्राई करूँगा कि एक्स इज इक्वल टू 110 पे बॉल का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू 111 पे बॉय जो बॉल है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है। उसी तरीके से मैं अलग अलग पॉइंट्स पे इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में 110, 111, 112 ऐसे अलग अलग पॉइंट्स रख के मैं चेक करूँगा कि वाई कोऑर्डिनेट क्या है, और ट्रेस करने की कोशिश करूँगा कि बॉल जो है अपनी कहाँ जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, x इज इक्वल टू 114 पे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि 110, 11, 12, 13 पे बहुत सारा हो जाएगा अगर कैलकुलेशन करूँगा, मेरे को तो आंसर पता है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 114 से, आप लोग चाहो तो 110 से भी स्टार्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो करना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, 114 से भी अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो वो समझ में आ जाएगा जो मैं करना चाह रहा हूँ, तो पेशेंस रखना थोड़ा सा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं एक्स इज इक्वल टू 114 से। तो अपन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में अपन निकालना चाहते हैं कि x इज इक्वल टू 114 पे y की वैल्यू क्या आएगी। तो y की वैल्यू कैसे रखेंगे अपन, x tan थीटा 1 माइनस x बाय r, यानी कि x tan थीटा यानी कि tan 40, tan 53 यानी कि 4 बाय 3, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस x बाय r। x कितना भैया, 114। और यार एक काम करना, रेंज इसकी कैलकुलेट कर लेना इस प्रोजेक्टाइल की, ध्यान रखना ये जो रेंज निकालोगे वो 120 आएगी, और वो रेंज कौन सी होगी, वो रेंज होगी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की। ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यहाँ पर जो मैं लिखा हुआ हूँ, ये रही यहाँ पर जो रेंज लिखी हुई है ना भैया, ये वाली चीज़, ये क्या है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए रेंज होती है ये। ठीक है ना, तो इसका मतलब कुछ इस तरीके का होगा, ये बॉल यहाँ से गई, मेरे को नहीं पता कहाँ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मान लो कुछ गई है, और ये जब यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि इसका वाई कोऑर्डिनेट वापस से जब 1 हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तब जो ये वाली डिस्टेंस आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की,
इसको मैं रेंज बोलता हूँ, ठीक है ना, ग्राउंड टू ग्राइंड प्रोजेक्शन की रेंज बोलता हूँ। गलती से भी इसको और नीचे ले जाके, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी मत निकाल देना, ठीक है। ठीक है, तो चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये काफ़ी गंदगी हो गई है, सब मिटा दिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, कैलकुलेट कर देना रेंज का फॉर्मूला, आप लोग को अच्छे से पता होगा, उस फॉर्मूले को यूज़ करके रेंज निकाल लेना। क्या होता है भाई वैसे फॉर्मूला, रिवीजन के लिए मैं बता भी देता हूँ। रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर इंटू टू साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बाय जी। तो भाई सब कुछ रख लोगे तो इसकी वैल्यू 120 आ जाएगी, ठीक है। ये कैलकुलेशन करना आप लोगों का काम है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये स्पेस घेरे का बेवजह, ठीक है। तो अब आते हैं अपन, अपन लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे कि जब वो x इक्वल टू 114 पे y की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो भाई ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में मैंने सब कुछ रख दिया, अब जो है आप लोग कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करके ऑलरेडी रख रखा हूँ, 7.6 मीटर आएगी। यानी कि x इक्वल टू 114 पे y की वैल्यू कितनी आई, 7.6। यानी कि अच्छा एक चीज़ और, उससे पहले ध्यान दो भाई इस चीज़ को, जूम करते हैं थोड़ा सा, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो ध्यान से। इसको मैं ओरिजिन माना हूँ, इस पॉइंट को यहाँ पर मैं क्या माना हूँ, इसको ओरिजिन माना हूँ। यानी कि इसके पैरेलल अगर मैं जाऊँगा यहाँ पॉइंट पे, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट को मैं काम करता हूँ, रेड कलर से लिख लेता हूँ, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएगा ज़ीरो, ठीक है। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 110, ये जो नीले कलर से मैं लिख रखा हूँ नीचे में यहाँ पर, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, ये सारे के सारे एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 115 है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ज़ीरो है। सिमिलरली इसका वाई कोऑर्डिनेट 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, थोड़ा पेशेंस रखना है यार, है ना, इसका 6 और इसका 7, अच्छी बात। तो मेरे पास क्या आया, 114 पे 7.6, ठीक है। तो 114 देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये वाली जो लाइन है 114 वाली है, ठीक है। तो ये वाली लाइन 114 वाली है, इस लाइन पे यानी कि x इज इक्वल टू 114 पे जो y की वैल्यू है वो कितनी है, 7 से कुछ बड़ी, 7.6। तो मैं इसको अगर प्लॉट करता हूँ तो कुछ ये देखो, ये 7 है, इससे थोड़ी सी बड़ी आएगी, ठीक है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा हो गया ये 114.7, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है, हमारी जो बॉल है वो कुछ इस तरीके से आएगी। ये सारी ब्लू लाइंस गलत साबित हो गई, ठीक है, बॉल कुछ इस तरीके से आएगी और यहाँ पर ये इस तरीके से जाएगी, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको सिर्फ यहाँ तक अभी पहुँचाया हूँ, आगे और पहुँचाते हैं अपन, ठीक है। आगे पहुँचाने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे x इज इक्वल टू 115 पे कैलकुलेट, ठीक है। x इज इक्वल टू 115 पे जब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में रखोगे तो फिर से क्या आएगा, 115 इंटू 4/3 ब्रैकेट में 1 माइनस 115/120। तो भाई कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने पे ये आ जाएगा 6.388। और जब x इज इक्वल टू 116 पे कैलकुलेट करोगे तब y की वैल्यू आ जाएगी 5.15। तो इन वैल्यूज़ को याद रखो, 5.515 और 6.388, ठीक है। अब देखो फिर से जूम कर रहा हूँ, क्या कैलकुलेट किया मैं, x इज इक्वल टू 115 पे y की वैल्यू 6 से बड़ी आ रही है, 6 से थोड़ी सी बड़ी, 115 पे 6.388, ठीक है। तो देखो ये वाली लाइन जो है अपनी, ये 115 वाली लाइन है, यानी कि इस पॉइंट्स पे, इन इस लाइन पे x कोऑर्डिनेट क्या है, 115, जिस पे y की वैल्यू क्या आई, 6 से कुछ बड़ी आई। यानी कि ये देखो भाई, ये y कोऑर्डिनेट 6 है, इससे कुछ बड़ा, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, तो ये 115 से 115 पे 6 से कुछ बड़ा, तो ये पॉइंट आ गया अपना, ठीक है। इसको भी चाहो तो लिख लो कितना आएगा, 115.6.38, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि ट्रेस कर लिया अपन, तो ये तो दिख रहा होगा यार यहाँ कहीं जाने वाली है बॉल, पर फिर भी एक्यूरेसी के साथ काम करना है अपने को,
तो अपन x इज इक्वल टू 116 पे y की वैल्यू फिर से कैलकुलेट कर लेना, 5.15 आ जाएगी। तो ट्रेस करते हैं 116 पे, 116 पे देखेंगे। 116 देखो, ये वाला जो लाइन है वो कौन सा है, 116, ये 114 था, ये 115 था, ये 116 है, ठीक है, ये 116 है। तो 116 पे 5 से छोटी आ रही है वैल्यू, यानी कि सॉरी 5.15 आ रही है, तो 5 से थोड़ी सी बड़ी आ रही है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है ना भाई, यानी कि 114 पे यहाँ, 115 पे यहाँ और 116 पे यहाँ, जिसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहो तो लिख लो, क्या आएगा, 116 कॉमा 5.15। तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि बॉल इस वाले सेक्शन पे हिट करने वाली है। अब इसको मैं काम करता हूँ, रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ बॉल हिट कर रही है भाई, ठीक है, ये रही बॉल अपनी। अब देखो, जूम इन करते हैं, सॉरी जूम आउट करते हैं, अब देखो ये कौन सी सीढ़ी है, कैसे पता चलेगा, यहाँ पर भी बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, पता नहीं चलता ये कौन सी सीढ़ी है। भैया देखो एक बात समझ लो कि ये जो सीढ़ी है, बल्कि हाँ ये वाली जो सीढ़ी है, सॉरी इसको मिटाते हैं, ये लोगों को लगता है कि ये सर पहली बेंच है, ये दूसरी बेंच है और ये तीसरी बेंच है, ऐसा नहीं है भैया, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बेंच ऐसी नहीं होती। अरे आदमी बैठेगा तो ऐसे थोड़ी ना बैठेगा, आदमी बैठेगा तो यहाँ पैर पैर फैलाएगा, यहाँ पैर रखेगा, यहाँ से बैठेगा, ठीक है, यहाँ उसकी बैक रहेगी और यहाँ पर क्या रहेगा, पीठ रहेगा, ठीक है ना, तो ऐसे आदमी बैठता है, ऐसे उसकी मुंडी होती है। तो ये पूरा सेक्शन क्या है, पहली सीढ़ी है, ठीक है, दूसरी सीढ़ी कौन सी हो जाएगी, दूसरी सीढ़ी कैसी हो जाएगी, अब क्रिकेट किसी ने देखा होगा तो दूसरी सीढ़ी ऐसी होगी, ऐसी, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इस आदमी का पैर उसकी मुंडी पे रहे या नहीं, थोड़ा सा गैप होता है बीच में, ठीक है ना, पर उस गैप को इस क्वेश्चन में इग्नोर किया हुआ है, तो उसको ध्यान मत देना, ठीक है, तो ये दूसरी सीढ़ी हो गई। अब सिमिलरली तीसरी सीढ़ी कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ठीक है ना, ये तीसरी हो गई, और काम करते हैं अल्टरनेट कलर लेते हैं, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ठीक है, सिमिलरली पाँचवीं कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ये पाँचवीं हो गई, ठीक है, और छठवीं कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो देखो भैया ये बॉल कहाँ हिट कर रही है, बेसिकली छठवीं सीढ़ी में ये हिट करी, सर सीढ़ी सीढ़ी बोल दे रहा हूँ मैं, सॉरी बेंच, ठीक है ना, छठवीं बेंच में ये जो बॉल है अपनी, जिसको मैं लाल कलर से बनाया हुआ था, यहाँ पर जो है वो हिट कर रही है। तो राइट आंसर इज सिक्स्थ, सिक्स्थ बेंच में जाके जो है बॉल अपनी हिट करने वाली है। तो अगर मैं इसकी ट्रेजेक्ट्री बनाऊँ, तो बनाते हैं अपन इसके ट्रेजेक्ट्री कुछ ये, अरे यार ये 53 डिग्री पे एंगल पे, सॉरी ये बॉल फेंका, ये जाएगी और ये इस तरीके से कुछ इन तीनों पॉइंट से क्रॉस होते हुए छठवीं सीढ़ी में जाके हिट करेगी। तो ये जो ब्लैक वाली लाइन से मैं अभी बनाया हूँ, दिस इज़ द राइट पाथ ऑफ द बॉल, ये सही रास्ता है उसका जाने का, ये सही ट्रेजेक्ट्री है। ये नीली वाली बस मैं खाली बना दिया था ऐसे बताने के लिए, ठीक है। तो आंसर आ गया इसका सिक्स। तो बहुत सारे की पॉइंट्स हैं यार इसमें, ठीक है, जैसा 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 कि सबसे पहली चीज़ इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज़ करना है, बहुत अच्छा यूज़ है इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, बहुत अप्रिशिएबल क्वेश्चन है ये। और दूसरा इसमें एक बहुत अच्छा कॉमन सेंस यूज़ करना है कि भैया जो क्रिकेट स्टेडियम में जो बेंचेज होती है वो होती कैसी है, तो बेंच ऐसी नहीं होती, बेंच कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है, तभी तो आदमी बैठ पाएगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है ओरिजिन की, ये मैं इसको अगर ओरिजिन माना हो तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि भैया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 110.0 है इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, तो बेसिकली अब मेरी एक्स एक्सिस ये वाली हुई ना कि ये वाली, ठीक है ना, क्योंकि बॉल इनिशियली कहाँ पर है, वाई इज इक्वल टू 1 पे है, जबकि मैं उसको क्या मान लिया हूँ, 0.0। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो बहुत सारे छोटे बड़े पॉइंट्स हैं और भाई इसीलिए बच्चों का आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं आता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आई होप आप लोगों को अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत ट्राई किया हूँ अच्छे से समझाने की, फिर भी अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार बता देना मेरे को, ठीक है। और उससे पहले, मेरे को बताने से पहले भी खुद से बैठ के जो जो स्टेप मैं बताया हूँ उसको खुद से करने की कोशिश करना, ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी। आप लोग चाहो तो 110 से स्टार्ट कर देना, मेरे को तो आंसर पता था इस वजह से मैं 114 से स्टार्ट किया था, ठीक है।
तो आप लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी क्वेश्चन की और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है ये, वेरी गुड क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो पे, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।